फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील सुरती है, फार्मासिस्ट हूँ, अहमदाबाद से हूँ, और मेरी वाइफ। मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है, मैं बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर। देखिए, आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि टॉपिक है सफलता की शुरुआत मन से होती है। और आज जिस बैनर के तले हम लोग बात कर रहे हैं, BWW सिस्टम की, ये शुरुआत हुई थी ना, ये ऐसे ही सोच के साथ हुई थी, बिल और पैगी ब्रिट के द्वारा हुई थी। और उनकी सोच थी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी बैकग्राउंड से हो, पढ़ा हुआ हो या ना पढ़ा हुआ हो, अगर वह व्यक्ति जीवन में कुछ सीखने और समझने के लिए तैयार है और ब्रिज सिस्टम के द्वारा वह व्यक्ति अपने सपने पूरे कर सकता है और बहुत लोगों को मदद कर सकता है। और वही सोच को बिल ब्रिज जी ने हकीकत में बदला और आज दुनिया के कई देशों में यह ब्रिज सिस्टम को फॉलो करके हर साल हजारों लोग करोड़पति बन रहे हैं और अपने सपने को पूरे कर रहे हैं। ये सारी बातें बताने का मकसद यही है कि बिल ब्रिट ने सफलता के लिए ऐसी सिस्टम को तैयार किया, 9 Core Steps, जिसमें बुक पढ़ना एक अहम स्टेप है। और BWW सिस्टम के द्वारा रेकमेंडेड बुक अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो उनका सफल होने का चांसेस बढ़ जाता है। और आज जिस बुक की हम बात करने वाले जा रहे हैं वह टॉप 10 रेकमेंडेड बुकों में से एक है, एटीट्यूड ही एवरीथिंग। देखिए, जब एटीट्यूड की बात आती है ना, तो नॉर्मल सोसाइटी में, आम सोसाइटी में क्या बोलते हैं कि कोई एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाता है, ऐसा कहा जाता है। पर एक्चुअली जो व्यक्ति सफल होता है ना, वह अपने एटीट्यूड पे काम करता है। और अपनी सोच पे काम करना, मैं हमेशा बोलता हूं, एक गट्स का काम होता है। और BWW को जो 100% फॉलो करता है वह अपने एटीट्यूड पे काम करता है। और उन सभी BWW लीडर्स जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, आज उनके लिए चहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं और उनके लिए एक क्लैप तो बनता है। तो अपने दिल से क्लैप करिए, क्योंकि वही बेहतरीन लोगों की वजह से आज हम लोग ये प्लेटफॉर्म पे बात कर पा रहे हैं। और आज का टॉपिक जो है वो बुक के बारे में बताएं तो एटीट्यूड ही एवरीथिंग एक बुक है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति 100% अपने जीवन में इसमें बताए गए शब्दों को अप्लाई करता है तो वह एमवे बिजनेस में सफल हो जाएगा और साथ में अपने जीवन में बड़ा व्यक्तित्व बनके बहुत लोगों को मदद कर सकता है। देखिए, हम लोग जो इन विषयों के सर्वोच्च नेता होने का दावा नहीं करते, हम इस पर इस तरह की बातों से कोशों दूर है, पर हम संयम को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसपे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, प्रगति कार्य प्रगति पर है। हमारे पर ये तख्ती हमेशा लगी रहती है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग 3 पार्ट में है, 3 पार्ट है, और आज हम पहले पार्ट करने जा रहे हैं। अगले मंगलवार हम दूसरा पार्ट करेंगे और उसके अगले मंगलवार तीसरा पार्ट करेंगे। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मात्र 3 शब्दों पर, बहुत ही अच्छे से समझ के लेना, 3 शब्दों के ऊपर पूरी ये बुक है। सोचे, बोले, करे, और जितनी गहराई से इन शब्दों को समझेंगे ना, उतना सफल होना आसान हो जाएगा। ये मैं कई बार देखा है बहुत सफल लोगों को। भाग 1 सफलता की शुरुआत मन से, इस भाग में एटीट्यूड और विश्वास की शक्ति पे ध्यान करेंगे, जिससे हम अपने भाग्य को सवार सके। भाग्य में हम सीखेंगे, इस भाग में हम सीखेंगे कि किस तरह से शुरुआती दौर में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरह से आप सोचते हैं। और ऐसा कह सकते हैं कि आप इस ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं जो आपको अपने सपनों से परे सफलता और खुशियां दिलाएगी। और फिर देर किस बात की, आइए श्री गणेश करते हैं। और श्री गणेश किसके साथ करेंगे? डॉक्टर गणेश एंड भाग्यवती पाटिल के साथ। और गणेश जी के बारे में वापिस से मैं बताना चाहता हूं, जो MSc है, MEd है, मैथ्स के अंदर PhD किया हुआ है और DBM है। इतनी सारी डिग्रियों को लेने के बावजूद वो, इनका व्यक्तित्व इतना डाउन टू अर्थ है, और मैंने उनके साथ जब भी बात किया ना तो कुछ ना कुछ सीखा है। यानी ये एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये परफेक्टली फॉलो करते हैं, जो सोचते हैं वो बोलते हैं और बोलते हैं वो करते हैं, और वही सिद्धांतों को फॉलो करके उन्होंने ये बड़ा लेवल हासिल किया है। तो अब पूरा स्टेज आ,
हम वो सारी बातें इस बुक की हम आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो हेल्प मी इनवाइट डॉक्टर गणेश एंड भाग्यवती पाटिल जी ऑन डिजिटल स्क्रीन। थैंक यू सुनील जी। इम्पोर्टेंट चीज है, हम सब लीडर से सीखते हैं। बोलते हैं ना, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एसोसिएशन। और सुनील और धर्मेश राय जी ने ऐसा प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करके दिया है, तो सबने उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहिए। ये आसान काम नहीं रहता है, सबको इकट्ठा करना, सबको नॉलेज देना, बाद में उनको जो टीम सपोर्ट करता है, टेक्निकल टीम, उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाइए। सबके नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, विहांग है, बहुत सारे जो सपोर्ट करते हैं टेक्निकल। और एटीट्यूड के बारे में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, डॉक्टर एनपी सिंह तो मेरे घर पे आके गए वाले हैं। हम जब ये बिजनेस में ग्रो हो रहे थे, उन्होंने नांदेड़ में सेमिनार लिया था, तो डॉक्टर एनपी सिंह सर से मैं बहुत सीखता हूँ। वो जैसे सुनील जी के गुरु है, हमारे भी गुरु है, क्योंकि ब्रिट का हर डायमंड लीडर गुरु ही रहता है। और एटीट्यूड के बारे में आपको मैंने ज्यादा बताने की जरूरत नहीं भी, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि आपके यहाँ के बड़े बड़े लीडर है जिनका एटीट्यूड हमारे से जबरदस्त एटीट्यूड है। और मैंने जो कुछ सीखा है वो ब्रिट वर्ल्डवाइड से सीखा है, मेरा खुद का ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने जो नॉलेज लिया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, जैसा अभी सुनील जी ने बताया आपको कि ये प्रेजेंटेशन रखने का गोल क्या है, आपको बुक पढ़ना चाहिए। बोलते हैं ना, बुक्स आर आपका आईना है, आपकी रियलिटी आपको दिखाते हैं। बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए उसका मैं एक स्टोरी से शुरुआत करूंगा, फिर आप मेरी मिसेज आपसे बात करेंगे और फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। तो जैसा एक लड़का था छोटा, वो लड़का उसके ग्रैंडफादर को क्या बोल रहा था कि बोले ग्रैंडफादर आप ये रोज क्या भगवत गीता पढ़ते बैठते हो, इससे क्या फर्क गिरता है। अभी ग्रैंडफादर उसको बोलते हैं एक काम करो, आप भगवत गीता लेके पढ़ते बैठो। तो भगवत गीता अभी छोटा बच्चा है, उसको कार्टून फिल्म या कार्टून का बुक अच्छा लगेगा, तो वो भगवत गीता तो उसके सर के ऊपर से जाना शुरू हो जाता है। वो क्या करता है, थोड़ी देर के बाद रख देता है और वो ग्रैंडफादर को बोलता है नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं गिर रहा है। अब ग्रैंडफादर तो ग्रैंडफादर है, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे एक कोयला भरने का टोकरी गिले वाला रहता है घर में, तो बोलते जाओ ये टोकरी लेके जाओ और इसमें नदी से पानी लेके आओ। वो चला जाता है टोकरी लेके नदी से पानी लाने के लिए। अभी वो दुरडी रहती है, हम मराठी में दुरडी बोलते हैं, आपके उधर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वो इसका बनाया जाता है बांबू के छोटे छोटे, इसका तो ट्रांसपेरेंट रहता है। तो वो जाता है पानी लाने की कोशिश करता है, वो आते वक्त पानी पूरा गिर जाता है। वो आता है घर पे और टोकरी गुस्से गुस्से से फेंक देता है। वो बोलता है दादाजी आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो बोलते हैं नहीं नहीं आप दिल से पानी नहीं ला रहे हो, उसके वजह से पानी नहीं आया। बोले जाओ और एक बार लेके आओ। बोले अभी वो कोयला भरने का टोकरी था तो और एक बार लेके गया और वो और पानी में डुबाया टोकरी, और वो वापिस लेके आ रहा था तो पानी और पूरा नीचे गिर गया। तो आ गया, बोले मजाक बहुत हो गया, बोले ये पॉसिबल नहीं है, बोले इसमें पानी कैसा आएगा। तो उसके ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने क्या बोला पता है उसके ग्रैंडसन को, कि बोले वो टोकरी की तरफ देखो, अभी वो टोकरी कोयला भरने का था, वो काला था, वो दो बार पानी में डुबाने के बाद क्या हो गया, वो क्लीन हो गया। तो बुक आपको अंदर से क्लीन करते हैं, आर्टिस्ट और एटीट्यूड के प्रोडक्ट आपको बाहर से क्लीन करते हैं। तो बिल ब्रिट जी क्या बोलते हैं, अगर आपको प्लैटिनम जाना है तो आप सीडी सुन के प्लैटिनम जाओगे, पर आपको एमरल्ड और डायमंड जाना है तो किताब पढ़ना ही पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, रीडर्स आर रीडर्स, दोज हू रीड दे रीड द सोसाइटी। और आपका एटीट्यूड डिफाइन होता है किससे पता है, आपके संगत से होता है। वो एक लाइन बोलते हैं ना, बेटर बी अलोन देन इन अ बैड कंपनी। तो बैड कंपनी में आने क्या पता है, एक आपको अच्छा दोस्त नहीं है तो आप बुरा दोस्त मत बनाओ। मैं जब जर्नी करता हूँ तो मैं हर टाइम मेरे साथ मेरे बुक्स रहते हैं, वो बुक्स लेके मैं पढ़ते रहता हूँ जर्नी में, ठीक है। इवन मैं टॉयलेट में जाता हूँ तो बुक लेके जाता हूँ, यानी मैं वहां का भी टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ईश्वर ने जो 24 घंटा दिया है वो एक एक मिनट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, उसके लिए मैं हर मिनट को इन्वेस्ट करता हूँ मेरा पर्सनैलिटी इन्हांस करने में। और ये बिजनेस में आपका सेल्फ इमेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यूर सेल्फ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनकम। तो सेल्फ इमेज इन्हांस करने के लिए आपको किताबें पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे तरफ जो जिम्मेदारी क्या है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, योर एटीट्यूड डिसाइड द एटीट्यूड ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ क्या घट रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको रिएक्ट कैसा कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं छोटा एग्जाम्पल लूंगा,
कि जैसा आप गाड़ी लेके बाहर निकल गए हो और आपको किन्नन तो भी कट मारा। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि उसने कट मारने के बाद आपको उसको गुस्सा कर सकते हो, गाड़ी के नीचे उतर करके उसको कॉलर पकड़ के दो चाटे भी लगा सकते हो, तो वो आप दो चाटे लगाओगे तो वो चार लगाएगा, ठीक है। तो इवेंट मल्टीप्लाइड बाय रिएक्शन इज इक्वल टू आउटकम। आपके साथ क्या घटना घटती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको रिएक्ट कैसा करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन, अगर आप उसने कट मारा और आपने अगर स्माइल दिया तो वो भी स्माइल दे के निकल जाएगा और आगे के सब कॉन्सिक्वेंसेज बच जाएंगे। उसी तरह से हम लोगों को इनवाइट करते हैं, बहुत लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, बहुत लोग मैसेज डाल देते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, आपका एटीट्यूड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डोंट बिहेव लाइक थर्मामीटर, बिहेव लाइक थर्मोस्टैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये जो बुक है, मैं थैंक्स करता हूँ सुनील जी को कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया मुझे बुक का फर्स्ट पार्ट के लिए, तो मेरे पास बुक नहीं था, मैंने बहुत ढूंढा तो अमेजोन से मैंने मंगा लिया मैंने बुक को और पढ़ना शुरू कर दिया। और एक महीना पहला हमारा बातचीत हुआ था सुनील जी के साथ, तो मैंने बुक मंगा लिया ऑलरेडी, ये बुक है मेरे पास, मैं अमेजोन से मंगा लिया, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ठीक है। और सुनील जी ने मुझे हिंदी में कॉपी भेज दिया तो उसका रीडिंग हमने किया, तो जिससे हमारे एटीट्यूड में भी बहुत सारा बदलाव आया है। तो पहले मेरी मिसेस आपसे बात करेंगी, उस पर मैं कंटिन्यू करूंगा। नमस्ते दोस्तों, फिर नाम वही भाग्यवती पाटिल। तो बुक रीडिंग का इम्पोर्टेंस हमारे बिजनेस में बहुत है, क्योंकि जब हमको बिजनेस प्लान दिखाया गया था तो सर हमारे बुक्स पढ़ के बिजनेस करने का डिसीजन लिया, तो रीडर्स आर लीडर्स ऐसा बोलते हैं। और कुछ भी करेक्शन करना है तो बुक से जब करेक्शन होता है तो हमको बुरा नहीं लगता, अगर हमको कोई व्यक्ति करेक्शन करता है तो हमको बहुत गुस्सा आता है और हम समझ भी नहीं पाते, लेकिन बुक से कुछ करेक्शन गलती होती है तो करेक्शन होता है तो हम वो मान जाते हैं। तो बुक्स पढ़ के हमारे बिजनेस में एंट्री हुई, हमको जो प्लान दिखाया उन्होंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक, ये बुक्स इनको पढ़ने को दिया था सर ने, वो बुक पढ़ा था, इसके लिए बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लिया था। तो बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमें जो जिम्मेदारी दी गई है वो है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, क्योंकि एटीट्यूड का मतलब है आपका नजरिया यानी आपकी रिएक्शन, और आप हर सिचुएशन में कैसा आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। बहुत बार सिचुएशन निगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं तो वही आपका एटीट्यूड डिसाइड होता है। जैसा सर ने अभी एग्जांपल दिया हमारे की कुछ होता है तो हम कैसा रिएक्ट करते हैं, और जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हमारा बर्ताव कैसा होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा एटीट्यूड। और हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो हमारा बर्ताव कैसा होता है, ये हमारा एटीट्यूड होता है। जब हमको सक्सेस बहुत मिलता है तो हमारा बर्ताव कैसा होता है, वो एक एटीट्यूड की बात है। और हम फेल्योर को कैसा पचाते हैं, फेल्योर आता है, निगेटिविटी आती है, तो हम कैसा बर्ताव करते हैं, ये एटीट्यूड से सीखना है। जब हम बिजनेस में आते हैं तो, और ये बिजनेस में कैसा है, 98% एटीट्यूड है और 2% मैकेनिज्म है ये बिजनेस में भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये बिजनेस में कैसा है, जो आपका एटीट्यूड उस मानसिक फिल्टर के समान है जिसके द्वारा आप दुनिया को अनुभव करते हैं। कुछ लोग दुनिया को आशावाद के फिल्टर से देखते हैं, आशावाद के फिल्टर से यानी पूरा ग्लास भरा हुआ दिखता है कुछ लोगों को जो पॉजिटिव होते हैं, और जब भी कुछ लोग निराशावादी होते हैं जिसको आधा ग्लास भरा दिखता है। इस तरह से समाज में कुछ लोग पॉजिटिव है, कुछ लोग निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड में अंतर समझने के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पे मैं आपको देना चाहती हूँ कि निगेटिव एटीट्यूड वाले लोग कैसे होते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग कैसे होते हैं, उनके सोच कैसी होती है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम एमए बिजनेस में आते हैं तो हमको ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते हैं और हमारी सोच निगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि हम जब बचपन से जब पैदा होते हैं तब से हमको जब समझ में आता है तो हमारे माँ बाप हमको बोलते हैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। फिर बाद में थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, फिर टीचर बोलते हैं ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो हमारा माइंड सेट बोले तो हमारा एटीट्यूड बन जाता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर बड़े होने के बाद भी हमको वही सिखाए वाला होता है ना, ये नहीं होता ना, वो नहीं होता, ये नहीं कर सकते, तो हमारा वैसा एटीट्यूड। लेकिन हम जब एमवे बिजनेस में आते हैं, ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो हमारा जो पोटेंशियल, हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल छुपे वाला रहता है, वो बाहर निकलता है, और बुक्स की वजह से, फंक्शन की वजह से, सीढ़ी की वजह से, और हम ये बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लेते हैं और हमारे बहुत सारे सपने पूरे होते हैं। तो देखो क्या फर्क होता है पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड के लोगों में। सबसे पहला है निगेटिव एटीट्यूड वाले जो व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता, और पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये अंतर है। और नेक्स्ट है निगेटिव एटीट्यूड वाले लोग जो होते हैं समस्याओं के बारे में सोचते हैं। जो निगेटिव एटीट्यूड वाले लोग क्या होते हैं,
समस्या के बारे में सोचते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग समस्याओं का समाधान पे ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि कुछ चैलेंज आता है, कुछ समस्या आती है तो उसको सोल्यूशन कैसे ढूंढना इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। और निगेटिव एटीट्यूड वाले लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा लोगों में अच्छाइयां तलाश करते हैं। देखो हमेशा लोगों में अच्छा क्या है उसमें अच्छाइयां देखते हैं लोगों में और उनका पोटेंशियल बाहर निकलते हैं। और बाद में निगेटिव एटीट्यूड वाले लोग जो होते हैं उन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके पास नहीं है। निगेटिव एटीट्यूड वाले लोग क्या करते हैं कि उनके पास क्या नहीं है उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग वो सोचते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या अच्छा है उसके बारे में सोचते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। बाद में निगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा लिमिटेशन के बारे में सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उनके लिमिटेशंस क्या है इसके बारे में सोचते हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते हैं कि और मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है क्या, उसमें कुछ और अच्छा बेहतरीन हो सकता है क्या, अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते हैं। इस तरह से निगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग रहते हैं। सोच बदलो और जिंदगी बदलो ऐसा लोग बोलते हैं। और हमारे बिजनेस में पहले बोले कि 98% हमारा बिजनेस एटीट्यूड पे चलता है और 2% मैकेनिज्म है। अब हाँ एमए बिजनेस में आते हैं तो हमको हमारा जो पुराना वाला एटीट्यूड है हमको वो चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज करने के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है बिलीफ सिस्टम को हमको अपनानी पड़ेगी और फॉलो करना पड़ेगा, हमारे मेंटर को फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सीडी का रोल है। बाद में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की जो बुक्स है वो पढ़ना पड़ेगा हमारे रेगुलर बेसिस पे। और ऐसे फंक्शन जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं ऐसे फंक्शन को हमको बार बार आना पड़ेगा। और फंक्शन को आने के बाद ही हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से ये बुक्स का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये बुक के बारे में यही बताना चाहती हूँ कि सोच बदलो जिंदगी बदलो। और सोच बदलने के लिए अपने पास बिलीफ सिस्टम है तो सोच बदलेंगे तो आपकी भी जिंदगी बदलेंगी। और हमेशा जो भी हमारा जिंदगी की तरफ देखने का जो नजरिया जो एटीट्यूड होता है हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आपका जो भी सपना है वो जो देखे सपने वो भी पूरे हो जाएंगे और जो नहीं देखे वो भी सपने पूरे हो जाएंगे। और इस तरीके से जैसे हमारे हो गए आपके भी हो सकते हैं। थैंक यू गॉड डायमंड ओवर टू माय हस्बैंड। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एटीट्यूड के ऊपर मेरे मिसेस ने जो बात किया है कि आपको आपका एटीट्यूड डिसाइड इज अल्टीट्यूड ऑफ योर लाइफ। ये जीवन में ध्यान में रखो। जैसा ये बिजनेस में एटीट्यूड के ऊपर बात किया आप सबको पता है, आप सबने एबीसीडी पढ़ा है। ए को अगर हम एक नंबर देते हैं, बी को दो नंबर देते हैं तो ऐसा टी जो लेटर है उसका नंबर आ जाता है 20, यू का आ जाता है 21। तो आप अगर मैथमेटिक्स करोगे ए यानी वन नंबर, तो वन प्लस दो बार टी है तो वन प्लस 20 प्लस 20 प्लस वहां पे आई आता है तो आई का नंबर आता है 9 प्लस यू का नंबर आता है 20, डी का अगर 21 आता है, डी का 4 और ई का 5, इसका अगर आप टोटल कर दे तो 100 आता है। तो योर एटीट्यूड इज 100%, ये ध्यान में रखो। जीवन एटीट्यूड का सीधा सीधा कितना आ रहा है टोटल आप देखते हो तो 100%। तो अपने मन को महान विचारों का पोषण दे, ये बुक में बताया गया है। अपने मन को महान विचारों का पोषण दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विचारों का पोषण अगर आप सही करोगे, वो बोलते हैं ना गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। अगर आप आपका जब आप अगर समझो यहाँ पे सुनील जी है, सुनील जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो सबसे पहले उनका कान सुनता है, ये ध्यान में रखो। क्योंकि सुनील जी का कान उनके मुंह से सबसे नजदीक है। धर्मिष्ठा जी बाद में सुनेंगे पर सुनील जी पहले सुनेंगे और उनके दिमाग में चला जाएगा। तो बिल बिट हर टाइम बताते हैं कि आप जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जब जो आप बोलते हो वही आप बोते हो और वही आप काटते हो। एक इंसान रहता है वो बबुल के पेड़ के नीचे बैठ के रोते रहता है, बोले इसको आम नहीं लग रहे, तो बाजू से एक लेडी जाती रहती है सीनियर, वो बोली थी 5 साल पहले आपने किसका बीज बोया था, बबुल का है आम का, तो बोला बबुल का बीज बोया था, तो बोले आम कैसे आएंगे। तो आप जो बोते हो वही आप काटते हो, यू आर हंग बाय योर टंग, ये बिल बिट जी का स्टेटमेंट है। तो आप बोलते हो कद बहुत केयरफुल रहो, आपने जो बोला है वो बोया है और वो आज ना कल उगने वाला है, तो आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये बुक इसी के ऊपर है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये ध्यान में रखो, ठीक है। उसके बाद में आपका काम वैसा ही होगा जैसा आप सोचेगी कि वह होगा, आपका काम वैसा ही होगा जैसा आप सोचोगे कि वह वैसा ही होगा। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है।
मनुष्य जो सोचता है वो वैसा ही बन जाता है. यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एसोसिएशन. रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड, होम यू विल एसोसिएट. आप अगर अच्छे किताबें के साथ एसोसिएट करोगे तो आप अच्छा बनोगे. जैसा गोल्स बोल के बुक है ब्रायन ट्रेसी का, वो 12th स्टैंडर्ड फेल है और वो एक जहाज के ऊपर बर्तन धोने का काम करता था, पर गलती से वो एक मीटिंग में चला गया और वहां पे उसको उसने सुना कि अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए और आज उसका उसके बुक्स 82 कंट्रीज में लोग पढ़ते हैं. उनका एक बुक है गोल्स. तो ब्रायन ट्रेसी ने खुद के अंदर बदलाव किए. तो आपको ये बिजनेस में भी खुद के अंदर बदलाव करना है तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, आपको किताबों को पढ़ना पड़ेगा और जो लीडर ने आपको सजेस्ट किए वो बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा. आपके अंदर बदलाव लाना पड़ेगा तो आपके बिजनेस में बाहर आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट है, यदि आप विश्वास करें तो सब कुछ संभव है. इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन. इफ यू थिंक यू कांट, यू आर ऑलवेज राइट. ये ध्यान में रखो. तो आपको आई कैन एटीट्यूड रखना है कि मैं कर सकता हूं. नेपोलियन हिल का एक स्टेटमेंट है, हमारा मन जिसके बारे में सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है. तो आपको मन के ऊपर बहुत ध्यान देना है, ठीक है. उसके बाद में राल पॉडवर्ड इमर्सन का जो स्टेटमेंट है, मनुष्य वही बन जाता है जो वह दिन भर सोचता है. तो आपका आपको आपके थॉट्स को मैनेज करना पड़ेगा. ये बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 80% टाइम खुद से बात करते रहते. ध्यान में रखो, अभी आप मुझे भी सुन रहे हो तभी भी आप दिल में खुद से बात कर रहे हो. तो आप क्या बात करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और 80% टाइम आदमी खुद के साथ निगेटिव बात करता है, पर आपका एसोसिएशन अगर राइट है तो आप पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू करोगे. और यहाँ पे उन्होंने बताया कि इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते. बस एक बार आपको इस सत्य को मानसिक रूप से स्वीकार करना है कि आप ऐसा कर सकते हैं. और हेनरी फोर्ड का बारे में तो मैंने बता दिया. यदि आप सोचते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, दोनों ही परिस्थिति में आप सही होते हैं, ये आप ध्यान में रखिए. विक्टर फ्रैंकल का स्टोरी बताया बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है. आपको जर्मन का जो हिटलर नाजी पता है, तो वो युद्ध के दरमियान उन्होंने गैस चेंबर बनाए थे. और डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि विक्टर फ्रैंकल की पत्नी, उसके मम्मी पापा, उसके बच्चे पूरे गैस चेंबर में मर गए और विक्टर फ्रैंकल ही वहां पे था और वो जिंदा रह गया. वो क्यों जिंदा रह गया पता है? ये सब मरने के बावजूद उसने उसका एटीट्यूड को डिस्टर्ब होने नहीं दिया. तो जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा दिल के जैसे कुछ चीजें नहीं होती है तो मेरा एटीट्यूड डिस्टर्ब हो जाता है, अरे यार जिसके पेरेंट्स चले गए, जिसके बीवी चले गए, जिसके बच्चे चले गए, उसके बावजूद उसने उसका एटीट्यूड डिस्टर्ब नहीं किया, तो आपका तो सब कुछ है. तो आपने आपका एटीट्यूड डिस्टर्ब होने ही नहीं देना चाहिए, ये आप ध्यान में रखिए. जैसा मैं बीपी चंद्र पटेल को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो गोल्ड लेवल पे थे तब उनका वाइफ चला गया, तो उन्होंने एटीट्यूड को डिस्टर्ब होने नहीं दिया. बीपी चंद्र पटेल ने कमिटमेंट लिया और उन्होंने काम करके वो डायमंड चले गए. उन्होंने वाइफ नहीं बोल के वो रोते नहीं बैठे. तो बहुत लोग रोते बैठते हैं, मेरा वाइफ काम नहीं कर रहा है, मेरा हस्बैंड काम नहीं कर रहा है. अभी हंसाबा सोलंकी देखो, सोलंकी सर दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद हंसाबा सोलंकी कमिटेड है. मैं ये बिजनेस में बहुत छोटे लेवल पे था, महेंद्र सिंह झाला नांदेड़ आए थे, उन्होंने एक प्लान लिया था और उनके तरफ से मैंने एक लाइन सीखा था, सामान्य बुद्धि. ये सामान्य बुद्धि बहुत बड़ा काम करता है. और वो बोलते हैं ना, कॉमन सेंस इज द सिक्स्थ सेंस. कॉमन सेंस इज अनकॉमन बिटवीन कॉमन पीपल, ड्यू टू दैट दे आर कॉमन. आपको कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए किताबें पढ़ना पड़ेंगे. जैसा मैं गिरा शाह को देखता हूँ, हर टाइम एक्साइटेड रहते हैं. उनका तो प्लाईवुड का इतना बड़ा बिजनेस है, उसके बावजूद दोनों रेगुलर मीटिंग को रहते, खुश रहते. उनको अहमदाबाद में उनका एक्साइटमेंट मैं देखा था. अहमदाबाद आया था मैं एक बार, तो उनको पता नहीं है मैं छोटे लेवल पे था तब, शायद फाउंडर प्लैटिनम होगा, तो उनका एक्साइटमेंट देखा मैं वहां पे. तो एक्साइटमेंट इज कंटीजियस. आपको एक्साइटेड रहना है तो आपका टीम एक्साइटेड रहेगा. वो हर टाइम बोलते हैं ना कि वो रोते की सूरत जाए मुर्दे की खबर लाए. आपको बच्चे के जैसा उत्साहित रहना है. जब देखो देखो बच्चा जब जन्म लेता है, वो जब चलना शुरू करता है तो बहुत बार गिरता है, तो कारपेट को नाम नहीं रखता है, वो सिचुएशन को नाम नहीं रखता है, उसके पेरेंट को नहीं बोलता है आप मुझे चलाना नहीं सिखा रहे. वो गिरता है, उसके बाद वो रोता नहीं, वो उठता है, हंसता है और चलने की कोशिश करता है और एक दिन वो चलना शुरू करता है. उसी तरह से ये बिजनेस में आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, पर आपका एटीट्यूड राइट रहना चाहिए. जैसा बताते ना, आपका एटीट्यूड क्या है, आप जब दुनिया को देखते हो कि आपको पहाड़ दिखते हैं और आपको वैली दिखते हैं,
आपको एक चीज बताऊं, पहाड़ है बोल के वैली को इंपॉर्टेंस है और वैली है बोल के पहाड़ का सुंदरता है। आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव को सुंदरता है। आपका अगर आप अगर ग्राफ निकालते हो ईसीजी, अगर वो मशीन लगाते हो, अगर वो साइन वेव है तो आप जिंदा हो, यानी ऊपर नीचे हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन है तो आप दुनिया में नहीं हो। तो कभी भी आपका जीवन स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। आपके जीवन में सिचुएशन सर आएंगे, वो सिचुएशन कैसे भी आने दो, आपका एटीट्यूड शेक नहीं होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बिजनेस नीचे आ जाए कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते, डाइवर्ट हो जाते, कोई नया कंपनी में काम शुरू कर देते। आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, दुनिया का बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपके एटीट्यूड के ऊपर, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। बिजनेस कौन बदलते हैं पता है, जिनका खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहता है। मैं राजा नरेन का बारे में बताना चाहता हूँ। राजा नरेन ने एक बार क्या बोला उनके एक दोस्त को कि जाओ रूम में जाके देखो वो कपड़े सूखे कि नहीं। तो गए राजा नरेन का दोस्त, देखा देखा कपड़ा गीले है बोले, और आधे घंटे के बाद भेजा बोले जाके देखो कपड़े सूखे कि नहीं सूखे। वो बोले नहीं अभी भी गीले ही है। बाद में राजा नरेन ने आधे घंटे के बाद भेजा बोले जाके देखो कोई कपड़े ने रंग बदला है क्या। तो जाके देखा, उसने बोला कोई कपड़े ने रंग नहीं बदला है पर कपड़े सूखे है। तो राजा नरेन क्या बता रहा था पता है, लोग जैसा वो शैमिलियन सरडा रहता है ना रंग बदलता है, वैसा लोग सिचुएशन आएगी रंग बदल देते हैं। हमारे को रंग बदलने वाले लोग नहीं चाहिए, हमारे को सिचुएशन को स्ट्रांगली फेस करने वाले लोग चाहिए। वही लोग ये बिजनेस में लेगेसी क्रिएट कर सकते, वही लोग डायमंड ईडीसी और डबल जा सकते हैं। जैसे मैं राज और संगीता शाह से सीखता हूँ, राज और संगीता शाह वो चाइल्डिश एटीट्यूड से बिहेव करते हैं, आज उनका इतना बड़ा एम्पायर है, पर एक जमाने में वो नौकरी अपना पढ़ाई के लिए पार्किंग लॉट में नौकरी करते थे, पर आज उनका इतना बड़ा एम्पायर है। तो कहने का मकसद क्या है, आपको बुक्स पढ़ना पड़ेंगे। और जैसा मैं आपको बता रहा था विक्टर फ्रैंकल के बारे में, उनका बुक है मेंस सर्च फॉर मीनिंग। आपका जीवन को कुछ उद्दिष्ट चाहिए तो ही आपके जिंदगी को कोई मीनिंग है, नहीं तो कॉकरोच मर जाते, उसी तरह से बहुत लोग मर जाते, उनका कोई कॉग्निजेंस नहीं रहता है। आप जीवन में आके कुछ करोगे तो आपका कोई नाम याद रखेगा, कुछ नई लेगेसी क्रिएट नहीं करोगे तो आपको, आप देखो आपके घर में आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का फोटो है, उनके ग्रैंड फादर का फोटो है क्या? नहीं है। अभी हम शिवाजी महाराज जी का नाम इतने साल के बाद भी क्यों लेते हैं, उन्होंने वैसा लेगेसी क्रिएट करके गए हैं, उन्होंने वैसा इतिहास रचा है। वो बोलते हैं ना दुनिया में कौन इतिहास रचते हैं, जो खुद काम करते क्रिटिसाइज फेस करते क्रिटिसिज्म। तो ये बुक में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बताई गई है, एक प्रसन्न व्यक्ति वह नहीं है जो कुछ निश्चित परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है, बल्कि वह है जो एटीट्यूड के एक निश्चित समूह के साथ रहता है। आपको राइट एटीट्यूड लोगों के साथ एसोसिएट करना है। आपको कम से कम रोज दो ऑडियो सीडी सुनना है। जो ब्रिट ओल्ड का स्मार्ट टच ऐप है उसके अंदर जो सीडीज आते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम पे, वो आपको रेगुलर सुनना है। मैं मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ, सीडी रेगुलर सुनता हूँ। तो मेरा खिड़की को मैं साफ करता हूँ सवेरे सवेरे, तो दिन भर मेरा क्या रहता है, थॉट प्रोसेस अच्छा रहता है। क्योंकि ये बुक में वही बताया गया है कि आपके खिड़की से आप दुनिया की तरफ देखते हो। जैसा एक लेडीज रहती है, वो लेडीज क्या करती है, रोज अपने हस्बैंड को बोलती है सामने वाली लेडीज क्या आलसी है, उसके कपड़े वो धोती है पर वो कपड़े पूरे गंदे है। तो ऐसा एक महीना रोज उसका हस्बैंड डायलॉग सुनते रहता है। तो एक दिन क्या हो जाता है, वो लेडीज क्या बोलती है हस्बैंड को, अरे यार आज उसने कपड़े बहुत अच्छे धोए हैं। तो उसका हस्बैंड क्या बोलता है, उसने कपड़े अच्छे नहीं धोए हैं, वो कपड़े रोज ही अच्छे धोती है, कल रात को मैंने अपना खिड़की साफ किया बोले, तो आपको उसके कपड़े अच्छे लग रहे बोले, अपनी खिड़की गंदी थी बोले। तो अपनी खिड़की यानी क्या पता है, अपना दिमाग है, आपका सोच है, आपका सोच अच्छे किताबें पढ़ के आपको राइट करना पड़ेगा। आप कौन सा चश्मा पहन रहे हो दुनिया को देखते वक्त? हम क्या करते हैं, हमारे वाइफ के सब बुरी चीजें देखना शुरू करते हैं। हस्बैंड और वाइफ में झगड़े क्यों होते पता है, अति परिचय अवज्ञा। हम उसके अंदर की अच्छी चीजें नहीं देखते, हम उसके अंदर की बुरी चीजें देखना शुरू करते हैं। फिर उसके सास ससुर को नाम रखते हैं, उसके भाई को नाम रखते हैं, और उसकी वजह से फिर हमारा होम टीम डिस्टर्ब होता है। तो आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, आपके लाइफ पार्टनर के जो स्ट्रेंथ पॉइंट है उसके ऊपर देखो। मैं मेरे मिसेज के स्ट्रेंथ पॉइंट को फोकस करता हूँ। अभी जैसा सुनील जी ने बताया बुक के ऊपर आपको बात करना है, पर मैंने उसको बोला आपको भी बात करना है, उसका फायदा क्या हुआ, उसने भी चार चैप्टर पढ़ लिया। तो अल्टीमेट गोल क्या है, मुझे उसको तैयार करना है, तो ये मेरा अल्टीमेट गोल है। तो लाइफ पार्टनर आप हस्बैंड वाइफ, अगर आपका दोनों का एटीट्यूड अच्छा रहेगा तो मेरा दिमाग शांत रहेगा। ऐसा आपका जो ब्रेन है उसके अंदर 10 करोड़ न्यूरॉन्स है, ब्रेन का जो कैपेसिटी है 2.5 पेराबाइट है, और 1 पेराबाइट यानी 1000 टेराबाइट, एंड 1 टेराबाइट यानी
आपको बताना चाहता हूँ 1000 गीगाबाइट 1000 GB आपका जो ब्रेन है ना उसका कैपेसिटी क्या है मालूम है? 16000 GB के 1.5 लाख पेन ड्राइव वो आपका ब्रेन का कैपेसिटी है। हम हमारा ब्रेन का 2% भी यूज नहीं करते दोस्तों मरते दम तक। तो आपको आपके ब्रेन का यूज करने के लिए आपके बुक्स आपका इनर पोटेंशियल बाहर निकालते हैं। आपका पोटेंशियल क्या है आपको पता नहीं है। रीड सिस्टम को जब आप प्लग हो जाते हो, जब आप सीडी सुनते हो, जब आप किताबें पढ़ते हो, जब आप लीडर के साथ एसोसिएट करते हो, तब आपके अंदर का पोटेंशियल आपको पता चल जाता है। और उसके वजह से ब्रिड सिस्टम में 10वीं फेल भी आदमी क्राउन जाता है और एक पीएचडी आदमी भी क्राउन चला जाता है। वो 10वीं फेल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पाइपलाइन ब्रिड ओलॉइड का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सफलता मन की एक अवस्था है। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वयं को एक सफल व्यक्ति मानना शुरू कर दे। ये डॉक्टर जॉयस ब्रदर का स्टेटमेंट है। सफलता आपकी मानसिकता है। अगर आप समझते हो मैं सफल हूं तो 101% आप सफल बन जाओगे। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी शुरुआत स्वच्छ खिड़की से शुरू करना है, यानी आपकी दिमाग की खिड़की आपको स्वच्छ करना है। आप हर समय परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, आपके साथ क्या घटता है वो आपके नियंत्रण में नहीं है, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में क्या पता है? आपका नजरिया, जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया, कौन क्या बोला ये आपके नियंत्रण में नहीं है, और आपको रिएक्ट कैसा करना ये आपके नियंत्रण में है, और आप क्या रिएक्ट करते उसके ऊपर ही आपको उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। और एक चीज बताना चाहता हूं, क्रिटिसिज्म रिजेक्शन ये क्या करते हैं आपको खिड़की को गंदा करते हैं। जैसा मेरे मिसेज ने बताया, जैसा हम बच्चे रहते तो पेरेंट्स बोलते तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता है, तो आपकी खिड़की गंदा होना शुरू हो जाती है। बाद में टीचर बोलते हैं आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फिर आपके दोस्त बोलते हैं, फिर आप एमवे में आते हैं तो आपके कलीग्स बोलते हैं, तो वो सब आपकी खिड़की को गंदा करना शुरू कर देते हैं। वो जो गंदा खिड़की हुआ है वो खिड़की साफ करने का काम ही किताबें करते हैं। तो किताबें पढ़ के आपकी जो चादर मैली हुई है, कई कौन सी चादर? आपकी सोच की चादर। अगर मैली चादर हो गई है और गीरा दीदी ने अगर धोया नहीं तो वो हस्बैंड शांत नहीं बैठेंगे, वो बोलेंगे चादर धोना पड़ेगा ना, गंदी चादर पे कैसा सोएंगे। तो आपके सोच को किनको धोना पड़ेगा? आपको ही धोना पड़ेगा ना। जैसा एक बार एक एक्सपेरिमेंट देते हैं टीचर, मैं स्टोरी क्यों बोलता हूँ, आप स्टोरी याद में रखोगे, मैं स्टोरी से सिखाता हूँ, क्योंकि कांति लगाला बोलते हैं कि आपको स्टोरी बोलने आना चाहिए। एक बार एक लड़का रहता है, वो बहुत झगड़ा करते रहता है, बहुत ग्रिजेस रहते हैं उसके दिमाग में। तो टीचर बोलते हैं उसको कि एक काम करो, आपको सब स्टूडेंट को आलू देते पोटैटो, और वो बोलते अगर समझो सुनील है, सुनील जी को बोलते आप यस, उसको आलू के ऊपर यस निकालो, ठीक है। उसके बाद में अगर दूसरे लीडर है विपिन चंद्र पटेल, उनको बी लिखने के लिए बोलते हैं। एनपी सिंह सर है तो उनको नरेंद्र का एन लिखने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा वो पूरा लेटर को लिखने का और 7 दिन वो पोटैटो को कैरी करने का, इवन नहाते वक्त भी हाथ में ही रखने का। तो 2 दिन के बाद वो बच्चे आ जाते हैं स्कूल में, बोलते हैं सर ये इसमें से बहुत गंदगी आ रहा है, इसको हम कैरी नहीं कर सकते, अभी तो 5 दिन बाकी है। बोले यार एक पोटैटो को आप कैरी नहीं कर सकते तो आपके दिमाग में आप क्यों ग्रिजेस रख रहे हो, ये बुरा है वो बुरा है, ये ऐसा है वो वैसा है। आप अगर दिमाग में रखोगे तो आपका दिमाग का क्या बन जाएगा? आपके दिमाग को दोस्तों साफ सुथरा रखो ब्रिट ओलॉयड की किताबें पढ़ के, ब्रिट ओलॉयड की सीडी सुन के, आपके जो मेंटर्स है उनके एसोसिएशन में रहो, उनसे राइट थॉट प्रोसेस लो, उनसे विजन लो। देखो निराशा संदेह ये आपके जीवन में डिप्रेशन लाती है, और निगेटिव थॉट की वजह से निराशा आती है। निगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से संदेह के बादल आपके जीवन में आते हैं। मैं ये बिजनेस में 21 साल से हूं, उतार चढ़ाव बिजनेस में आते हैं, मुझे पता है उतार चढ़ाव, उसको ही बिजनेसमैन बोला जाता है। बिजनेसमैन का सब स्मूथ नहीं रहता है। और आपको जैसा मैंने बताया वैली है बोल के माउंटेन को इंपॉर्टेंस है। आपको अगर आपका सही कैरेक्टर कब डेवलप होता है पता है? व्हेन देयर इज अ करेक्शन। बिल ग्रिट का सीडी है करेक्शन, सुन लीजिए एक बार। करेक्शन जब रहता है आत्मचिंतन शुरू कर देता है इंसान की, मैं कहां गलत हो गया, व्हाई करेक्शन केम इन माय लाइफ, और वहां ही वो सबसे ज्यादा सीखता है। जब वो तरक्की के दौर में रहता है ना तो वो हवा में रहता है, उसको टालियां मिलती है, उसको हार मिलते हैं, तो वो खुश रहता है। पर जब करेक्शन आता है तो आत्मचिंतन करना शुरू कर देता है। तो आपको खिड़की को साफ रखना है, आपको खुद को नियंत्रित करना है। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है दुनिया में दोस्तों, हमारी सोच उसे वैसा बनाती है।
कोई इंसान बुरा है अच्छा नहीं है दुनिया में, सब उनके जगह सही है। आपका सोच क्या है, आपका उनके तरफ देखने का नजरिया क्या है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जैसा मैं क्लोज करूंगा, आपको उत्साह पूर्वक रहना है, आपको सोच अच्छी रखना है। ये जो ऑथर है जेफ केलर, ये एडवोकेट थे ये बिजनेस में आने के पहले, तो उनको घुटन हो रहा था उनके एडवोकेट प्रोफेशन में, और वो परेशान थे कि उनको एक दिन तो रात को नींद ही नहीं आया, रात को 1 बजे वो जाग रहे थे, और 1 बजे लकीली उन्होंने चैनल चेंज किया और उन्होंने वहां पे एक मेंटल बैंक बोल के प्रोग्राम देख लिया, और इमीडिएट उन्होंने क्रेडिट कार्ड निकाल के वो परचेस किया, और उनको फिर पॉजिटिव थॉट के बुक आ गए, उसने उसको पढ़ना शुरू किया। जैसा मैंने बुक पढ़ा है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पिले, आप वो बुक पढ़ लो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएंगी। आप रेलवे से जब जर्नी करते हो ना, जो वर्कर है वो गिट्टी को हिला रहा है, नॉर्मन विंसेंट पिले ने क्या बोला है, वो वर्कर को भी थैंक्स करो, वो टाइम पे गिट्टी को राइट कर रहा है, बोले कि आपका रेलवे सही चल रहा है, उसको थैंक्स करो, उसको स्माइल करो, उसको आप नमस्ते करो, वो वर्कर भी आपके लिए बहुत जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। आपका एटीट्यूड को डिसाइड करता है। हर इंसान आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है, इंसान को रिस्पेक्ट करना शुरू करो। देखो ईश्वर वो इंसान को उठाने के पहले डिसीजन नहीं लेता है उसके लाइफ के प्रति, तो हम कौन रहते हैं उसके लाइफ के प्रति डिसीजन लेने वाले। हमारा जो हम 80 साल के लिए आए हैं, हम परमानेंट वीसा के ऊपर नहीं है, पृथ्वी तल के ऊपर, वी आर ऑन टेम्पररी वीसा। टेम्पररी वीसा इतना ध्यान में रखो, और वो टेम्पररी वीसा के ऊपर हम कैसे अच्छे काम कर रहे हैं, हमारा वीडियो कैसेट कैसा अच्छा बनेगा, जैसा मेरे मेंटर हर टाइम बताते हैं, किरण जी, एनपी सिंह जी बताते, ऊपर जाने के बाद ईश्वर ने बोलना चाहिए आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने सही जिंदगी जिया, आपने लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जिया। आपका सक्सेस का डेफिनेशन ये नहीं है आप कौन से बड़े बंगले में रहते हो, कितनी बड़ी कार चलाते हो, आपका सक्सेस का डेफिनेशन ये है कि आपके वजह से कितने लोग अच्छी जिंदगी जी रहे, आपके वजह से कितने लोग कर्ज मुक्त हो गए, आपके वजह से कितने लोगों के सपने पूरे हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं क्लोज करूंगा, जैसा एक मेहंदी बांटने वाला इंसान मेहंदी पात्र लेके मेहंदी बांटना शुरू करता है, तो उसको मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं रहती है। तो हमें ये ब्रिट वर्ल्ड एमवे का प्लेटफॉर्म मिला है, वी आर ब्लेस्ड बाय गॉड, और इतना बड़ा एसोसिएशन मिला है, जैसे किरण और स्नेह जी है, डॉक्टर एनपी विनीता सिंह जी है, बीपी चंद्र पटेल जी है, अरुण मिश्रा जी है, हर टाइम हंसते रहते हैं, जोक बोलते रहते हैं, बहुत सारे लीडरशिप है। अभी सुनील जी मेरे अच्छे दोस्त बन चुके हैं, दैट क्रेडिट गोज टू डिजिटल प्लेटफॉर्म। और सुनील जी और धर्मिष्ठा जी बहुत मेहनत करते, इतने बिजी रहने के बावजूद सब ऑर्गेनाइज करते, आसान काम नहीं रहता है, मुझे पता है, मैं बहुत साल होस्ट था ब्रिट ओपन नांदेड़ का, तो इट इज नॉट इजी टास्क टू अरेंज ऑल द थिंग्स। तो आई एम प्राउड ऑफ यू सुनील जी एंड धर्मिष्ठा जी। और जैसा मेहंदी बांटते होगा, तो आपको मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं, आपके हाथ रंग जाते हैं। आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, जो जिग जिगलर ने बोला है, आप कुछ लोगों के सपने पूरे करने के लिए मदद करो, आपके सपने ईश्वर ऑटोमेटिक पूरा करेगा। थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे मौका दिया आप लोगों की सेवा करने के लिए, उसके लिए मैं सुनील जो धर्मिष्ठा और पूरे टीम को थैंक्स करता हूँ। और आपके जो लीडरशिप है, उनका टाइम टेकन भी ग्रांटेड मत लो, दे हैव द लॉट ऑफ विजडम, उनके पास पूरा 20-25-21 साल का तजुर्बा है, डोंट टेक इट लाइटेड, उनका एक लाइन यानी आपके लिए काउंसिलिंग रहता है, इतना ध्यान में रखो। लीडर ज्यादा बात नहीं करते, वो थोड़ी सी बात करते हैं पूरा आपका लाइफ चेंज कर देता है। एंड थैंक्स अ लॉट सुनील जी, बैक टू द होस्ट। थैंक यू, वाओ, अमेजिंग। हम सभी लीडर एक बार दिल से कुछ भी अच्छा करें, ये एटीट्यूड की बात है, कुछ भी अच्छा करें, हमारे साथ दोहराइएगा अमेजिंग गुड जॉब, और इतने जोर से बोलिएगा कि कल बाजू वाला अपने आप को पूछे कल अमेजिंग की क्या बात कर रहे थे, तो आप प्लान दिखा देना। तो वापिस से अमेजिंग गुड जॉब, यस, बहुत मजा आया। एटीट्यूड की बात हमेशा बहुत अच्छी लगती है, और जो आपने बताया है कि अपनी खिड़की हमेशा साफ रखनी है, वो बोलते ने, मैं कभी वो शायर तो नहीं हूं, पर मिर्जा गालिब का एक बहुत साल पहले एक शेर सुना था, एटीट्यूड क्या हो सकता है, कि बोले इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, फिर भी परेशान क्यों रहता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। और फिर मिर्जा गालिब कहते हैं,
उम्र भर गालिब वही गलती करता रहा। क्या बोलता है? उम्र भर गालिब वही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। बिल्कुल जो गणेश जी, डॉक्टर गणेश एंड भाग्यवती जी ने जो आज बात किया है, देखो मैंने ना पहले मैं हमेशा बोला करता था, मेरे स्पेक नहीं थे और मैं हमेशा ऐसे बोला करता था, मैं ना वाव का चश्मा पहन के रखा है, सब कुछ अच्छा ही दिखता है। कोई बोलता है आप सब कुछ अच्छा ही दिखता है सब में, देखो मैंने है ना स्पेशली ये वाव चश्मा बना लिया है, अगर आपको बनाना है तो आप भी बना लो और जो भी दिखेगा ना वाव दिखेगा, क्या बात है, मजा आ गया, वाव। तो बहुत सारी बातें किया और हम लोग इस बुक से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और हम लोग ये किए हैं, करे हैं और आने वाले नेक्स्ट मंगलवार को हम लोग, और हाँ एक दो बात और उन्होंने बताई, मैं जरूर उसको मेंशन करना चाहूंगा कि एटीट्यूड का जो मैथमेटिक्स होता है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में PhD है, अभी इनसे पंगा नहीं ले सकते, उन्होंने बता दिया तो बता दिया, अभी उन्होंने बता दिया कि वो 100% उनके वर्ड का टोटल होता है, तो मान लेने का, गिनने का भी नहीं, साइंटिस्ट है बॉस, डॉक्टर है, PhD है, मैथ्स में किया है, तो मान लेने का। और फिर उन्होंने बताया कि अपने विचारों को, मन में जो विचार आते हैं उसको महान पोषण दो, आप कौन सी संगत रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं या हम लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको बुक पढ़ना है, मैं आपको ये बोलूंगा क्या आपके सपने हैं, क्या आपके परिवार के सपने हैं, क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और उसके लिए बॉस गट्स चाहिए, गट्स, अपने ऊपर काम करने के लिए गट्स चाहिए, और वो गट्स वाले लोग BWW सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग अगली बार में बात करेंगे, जो सेकंड सेशन हमारा एटीट्यूड का रहेगा, बेहतरीन सेशन रहेगा, और उसमें अपने शब्दों पे ध्यान दे, मैंने बोला ना ये तीन शब्दों पे ऊपर ही है, क्या आप सोचते हो, क्या आप बोलते हो और क्या करते हो। और सेकंड सेशन है जो एटीट्यूड के बारे में है, रुद्रांग एंड शीतल शाह बेहतरीन कपल है, इनके बारे में जो भी बात बताया जाए वो कम है, उन्होंने ऐसा अपने एटीट्यूड पे काम किया कि कभी उन्हें प्लास्टिक इंजीनियर होने के बावजूद उनको रिज्यूम नहीं बनाना पड़ा। तो ऐसे कपल एटीट्यूड पे बात करेंगे, और जो लोगों को अभी भी शंका है कि यार एक आधा डॉक्टर PhD बोल के आ गए होंगे, तो मैं विहान को बोलूंगा स्पॉटलाइट करे जयेश एंड जयश्री पटेल को कि अगली बार हम वापिस से एक PhD मैच के अंदर हैं, उनका भी टोटल जोरदार है और उनको हम लाने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कि आज रैप अप डॉक्टर NP सिंह करे, हमारे बहुत ही अजीज हैं, हमें गाइड किया है, और जो गणेश जी ने बताया ना एकदम छोटी बातें, हमेशा छोटे वर्ड बोलते हैं और इनकी शालीनता से हम बहुत प्रभावित है। थैंक यू सर, आपने हमारी लाइफ में जो वैल्यू एड किया। सफल आज का दिन डॉक्टर गणेश और नागेश्वर जी का है, और इतने बुद्धिमान और पढ़े लिखे व्यक्तित्व को सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। ऐसे व्यक्ति इतने आसानी से आपको कभी नहीं मिलेंगे जो आपसे बात कर सके रूबरू, जो हमारे कलीग फ्रेंड्स टीम से हैं बिजनेस में, आप समझिए मैथ्स, माई गॉड, मेरा साइंस बायोलॉजी में यह हाल है, मैथ्स में तो कुछ भी नहीं बचता था, एंड इस PhD, माय गुडनेस, कितना बुद्धिमत्ता अर्ज करने के बाद उन्होंने ये प्रूव किया कि बिजनेस कितना अच्छा है, उनको करना चाहिए। और जिस तरह से आज उन्होंने बातें शेयर की है, लेखक के बारे में बताई, छोटे छोटे एग्जांपल दिए, अपने मेंटर के बारे में बातें की, अमेजिंग अमेजिंग एटीट्यूड, एंड यू आर राइट, एटीट्यूड इज एवरीथिंग which you exhibited today. मुझे याद है मैं पहली बार डॉक्टर गणेश को मिला था, सुबह 4 बजे मेरी ट्रेन पहुंची नांदेड़, और 4 बजे इतनी ठंडी थी सुबह, ठंडी का मौसम था, मेरी लाइफ में नांदेड़ कभी नहीं गया था मैं, सर्किट नेटवर्क बैठती तरफ से मैं, मेरी वाइफ गए थे, और ट्रेन को 4 बजे उतरना था, मुझे कुछ मालूम नहीं था, प्लेटफॉर्म पर उतरा तो मुझे समझा नहीं मैं कहाँ जाऊँ, देखा तो गणेश चाय, थर्मस, 4-5 बंदों के साथ पहुंच गया,
और चाय उस दिन अमृत सा पिया था मैंने, इतनी ठंडी में कड़कड़ कर रहा था और जान नहीं कर रही थी, एंड दिस मैन वाज देयर टू सर्व, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। फिर एक टवेरा गाड़ी थी, टवेरा गाड़ी मेरे लिए अरेंज कर रखी थी उन्होंने, और वो टवेरा लेके मुझे शायद कहाँ जाना था मुझे याद नहीं आ रहा है, कोल्हापुर या कहीं जाना था मुझे भी, बट अमेजिंग एटीट्यूड, वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव हिम टुडे एज अ स्पीकर। एंड फॉर पीपल लीडर्स आई वुड से वन थिंग, याद रखो, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते ही रहेंगे, हमारी मंजिल हमसे कितना दूर भागती रहेगी, जीत तो हमारी होगी, उसको थका देंगे हम, चलते रहो। मैं छोटा सा एग्जांपल कोट करके खत्म करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि स्पीकर ने इतना अच्छा बात किया है तो मैं उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन एक दिल में बात याद आई। देखो आज अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, थोड़ा सोचो उनकी उम्र 77-78 साल की उम्र है इस समय, और वो प्रेसिडेंट बने इस उम्र में, हमें क्या सबक मिलता है इससे? क्या आपको लगता है कि जो बाइडेन सडनली ओवरनाइट एक दिन डिसाइड किए कि मुझे अभी अमेरिका के राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होना है, मैं राजनीति में आ जाता हूं? और योर काइंड इंफॉर्मेशन, उनका पिछला 50 साल का इतिहास है राजनीति का, लास्ट 50 इयर्स ही वाज परसुइंग पॉलिटिकल करियर, 50 साल। उस बीच बहुत गहरे गहरे जख्म उनके भी जीवन में आए, उनकी पत्नी भगवान के घर चली गई, जवान बेटा चला गया एक्सीडेंट में, और तमाम चीजों से गुजरे हैं वो, बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन वो जिसे आज डॉक्टर गणेश ने बताया नहीं, लोग रो देते हैं बैठ जाते हैं, जो लीडर हो तो रुकते नहीं है, वो चलते रहे। एक फेथ था, एक विश्वास था कि एक दिन उस अमेरिका जैसे सशक्त देश जो पूरे वर्ल्ड पे राज करता है उसका राष्ट्रपति बनेंगे वो। इमेजिन इज देयर, एंड एट 78 ही इज फिट फाइन लीडिंग स्ट्रांगली। तो मैंने वही कहा थोड़ी देर पहले, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, हम भी अपने घर के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। मैं तो अपने घर का ही प्रेसिडेंट बन जाऊं तो खुश हूं मैं। अब मेरा घर जानते हो कहाँ है? ये सारी दुनिया मेरा घर है। It's not four walls where I live. Whole world is my house. So let's become president of our house. Thank you, Sunil and Dharmishtha. You are an awesome leader. Big heart, very very tenacious, hardworking leadership. Done deal. You are a crown ambassador. कोई रोक नहीं सकता आपको. आप crown ambassador की पूरी तालीम ले चुके हो और उसी के तरह से काम करते हो. आज इतनी बड़ी टीम को आपने बांध के रखा है पूरे देश भर में, विदेशों में भी, जो इज्जत आपने कमाई है आपके मेहनत से, और आपके सभी दोस्त विहांग मेट रुद्रांग, फिर भद्रेश भाई, सुरेश भाई, तमाम दोस्त, मैं एक का नाम लूंगा, सारे एमरल्ड्स, सभी लोग वंडरफुल पीपल हैं। और कमिंग ट्यूजडे को हम लोग जयेश एंड जेसी बेंजी को मिलेंगे। बाय, गुड नाइट डियर्स। थैंक यू सर।